दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, पिंक बॉल का इस्तेमाल डे नाइट टेस्ट मैचेस में होता है, जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई थी 2015 में। इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट दैट वर्क्ड। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि 2007 में इंडिया और पाकिस्तान ने भी ओडीआई मैचेस को इंटरेस्टिंग करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब क्या था ये एक्सपेरिमेंट? वेल, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार रेड बॉल का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे भी क्या फर्क पड़ता है, किसी को पता नहीं चलेगा। तो बात करते हैं इस अजीबोगरीब सीरीज के बारे में। उस वक्त हमारे कैप्टन थे मिस्टर वरुण रॉय। टीम इंडिया और पाकिस्तान 5 मैचेस का एक ओडीआई सीरीज खेल रही थी, जिसमें पाकिस्तान वाज लीडिंग 2-0। न्यूज़पेपर में मैच के रिपोर्ट्स देखकर टीम इंडिया के कैप्टन काफी अपसेट है। लेकिन पता नहीं ये कौन सी डेट के न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे थे, क्योंकि वरुण की गर्लफ्रेंड वरुण से बात करते वक्त ये साफ कहती है दैट ही प्लेड वेल, स्कोरिंग 62 रन्स ऑफ 78 बॉल्स। और यहां न्यूज़पेपर पे लिखा है कि शतक बेकार। यार डिसाइड कर लो ना, शतक बनाया या 62 नॉट आउट। बट ठीक है, मैंने नोटिस किया, इन जनरल किसी को पता नहीं चलेगा। इंडिया 2 मैचेस हार चुकी है, टीम की मोरल काफी डाउन है। और ये है हमारे कोच साहब मिस्टर रंजीत लाल, जो दुनिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जिस टीम का कॉन्फिडेंस इतना लो है, ऐसे वक्त पर कोच सर टीम से ये कहते हैं कि गली क्रिकेट खेलने वाले बच्चे भी उनसे बेटर खेलते हैं। अब ऐसी हालत में कौन बचाएगा टीम को? तो यहाँ पर हम पहली बार 13 साल के करण को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। और मैंने ये चीज नोटिस की कि करण और उसके दोस्त काफी शातिर बच्चे हैं। हम तो बचपन में प्लास्टिक या टेनिस बॉल से खेलते थे यार, यहाँ पर तो सब बच्चे बिना हेलमेट, बिना पैड्स और ग्लव्स के सीधा सीजन बॉल से खेल रहे। तो अपना करण बैटिंग करने आता है और पहले ही बॉल में इतना बड़ा छक्का मारता है। कितना बड़ा? ना? इतना या इतना? रुको जरा, सबर करो। इतना बड़ा छक्का कि बॉल सीधा ग्राउंड के बाहर सिग्नल पर खड़ी एक गाड़ी के विंडशील्ड पर जाकर गिरती है। ऑब्वियसली वो गाड़ी हमारे कोच सर की है। कोच सीधा ग्राउंड पहुंच जाते हैं करण की बैटिंग देखने के लिए। बॉलिंग वो खुद करते हैं। अब मुझे पता नहीं कि कोच की बॉलिंग इतनी बुरी थी या फिर मैं ईए स्पोर्ट्स का क्रिकेट वीडियो देख रहा था, बिकॉज करण हिट 7 सिक्सेस बैक टू बैक, अ रिकॉर्ड दैट हैज नॉट बीन अचीव्ड इन एनी वर्जन ऑफ गली क्रिकेट। कोच की बोलती बंद एंड ही इमीडिएटली कॉल्स अप कैप्टन वरुण एंड द सिलेक्शन कमिटी टू वॉच करण प्ले। और वहां पर भी करण हिट्स एनदर 6 टू टीम इंडियाज मेन बॉलर। मतलब कुल मिलाकर अपने अनऑफिशियल डोमेस्टिक करियर में 8 बॉल में 8 छक्के मारने के बाद वरुण इज सिलेक्टेड इन द प्लेइंग 11 ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। एट द एज ऑफ 13 ही स्टिल होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द यंगेस्ट प्लेयर टू मेक डेब्यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट। नाउ आफ्टर सीइंग दैट सम न्यू प्लेयर इज गोइंग टू मेक डेब्यू, आवर प्रोफेशनल कमेंटेटर्स से ऑन लाइव ब्रॉडकास्ट, इंडिया तो गया, लगता है आज भी टीम इंडिया के कपड़े उतरने वाले हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? करण ओपन्स द बैटिंग एंड ही स्टार्ट्स ऑफ विद अ डॉट बॉल। लेकिन उस डॉट बॉल के बाद वो मारता है 3 छक्के और 2 रिबॉक चौके पावर्ड बाय ब्राइट एजेंसी। लगता है गरवारेस के पास पैसे नहीं थे इस मैच को स्पॉन्सर करने के लिए। और करण की बैटिंग देखकर ब्रॉडकास्टर भी इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि करण ने जो पहला डॉट बॉल खेला था उस डिलीवरी को स्कोर कार्ड से ही हटा देते हैं। मतलब करण का डॉट बॉल मतलब डेड बॉल, किसी को पता नहीं चलेगा। और पाकिस्तान का कैप्टन भी गिव्स ब्रिलियंट एडवाइस टू हिज बॉलर। व्हेन करण इज प्लेइंग वेल, वो अपने बॉलर के पास जाके बोलता है, ठीक से बॉलिंग कर, ठीक से बॉलिंग कर। पहले तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, इतने अलग अलग जॉनर के वीडियोस बनाता था फिर भी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे थे। और फिर एक दिन यार समझ में नहीं आ रहा यार क्या करूं मैं। मेरी बात ध्यान से सुन, ठीक से वीडियोस बना, ठीक से वीडियोस बना, ठीक से वीडियोस बना। और उस दिन से मैं ठीक से वीडियोस बना रहा हूं। नतीजा तो आपने देख ही लिया है। तो सिर्फ चौके छक्के मारता है अपना विजय शेखावत, करण। अब दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज है, कंफ्यूज तो होगा ही कोई भी। बोथ ऑफ देम प्ले अ डॉट बॉल फर्स्ट, बोथ ऑफ देम स्टार्ट स्कोरिंग विद अ ह्यूज 6, दोनों अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी स्कोर करते हैं। इनफैक्ट करण ब्रेक्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय अ डेब्यूटेंट इन ओडीआई क्रिकेट, अ रिकॉर्ड दैट वाज प्रीवियसली हेल्ड बाय डेसमंड हेन्स। इमेजिन दोस्तों, 170 नॉट आउट ऑन अ डेब्यू बाय अ 13 ईयर ओल्ड बॉय। अब इसके पीछे बहुत सारी थियरीज है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पास कोई मैजिक बैट था। मेरी अपनी एक थियरी है, मुझे लगता है कि करण के पास वो सुपर पावर्स थे। यू सी, करण स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिज गुड फ्रेंड एंड सुपर हीरो क्रिश। अब क्रिश ने उसकी थोड़ी बहुत शक्तियां करण को दिया होगा गिफ्ट में, इतना तो दोस्त के लिए कर ही सकता है। तो जरा फिर से कमेंट्री के बारे में बात करते हैं। यहाँ जब भी करण कोई रिबॉक बाउंड्री मारता है, यू माइट एक्सपेक्ट टू हियर समथिंग लाइक इट्स अ ग्रेट शॉट, दैट्स अ ब्यूटीफुल कवर ड्राइव, समथिंग लाइक दैट। इंस्टेड आवर कमेंटेटर्स कम अप विद जेम्स लाइक दिस, क्यूट, आई लव दिस बॉय, मेरा कुछी मुझी। तो 50 ओवर में इंडिया स्कोर करता है 356 रन्स विदाउट लूजिंग अ सिंगल विकेट। पाकिस्तान कीप्स लूजिंग विकेट एंड इंडिया विंस द मैच वेरी कंफर्टेबली। और करण उसके सुपर पावर्स की वजह से अगले मैच में भी बढ़िया खेल लेता है।
काफी इनोवेटिव शॉट्स देखने को मिलता है। अब बताइए इस शॉट को क्या कहें। इंडिया विंस द मैच एंड नाउ द सीरीज इज टाइड टू ऑल। लास्ट मैच में पाकिस्तान पहले बैटिंग करके 149 पे ही ऑल आउट हो जाती है। टारगेट इज 150 जो मेरा प्यारा करण कुची मुची पू अकेले ही बना सकता है। एंड देन वी सी इंडिया स्ट्रेंजेस्ट चेस एवर। द इंडियन इनिंग स्टार्ट्स विदाउट करण, क्योंकि मैच के बीच अपना करण राघव दादा का पीछा कर रहा है जो उसकी मैजिक बैट को चुरा कर भाग रहा था। अब टारगेट इतना कम है, पब्लिक मैच देखने आई है, तो इंडियन बैट्समैन को लगा कि चलो मैच को जबरदस्ती इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो 150 चेस करते हुए 6 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर है 34-0। 16 ओवर्स के बाद इंडिया का स्कोर है 44-1। मतलब ओवर नंबर 7 से ओवर नंबर 16 तक 10 ओवर में इंडिया स्कोर्ड ओनली 10 रन्स एंड लॉस्ट 1 विकेट। शायद पाकिस्तान कैप्टन का ठीक से बॉलिंग कर सजेशन एक्चुअली काम कर गया। हाँ, और एक बात देखो, सिर्फ करण ही नहीं है जिसके पास सुपर पावर्स है, हमारे अंपायर सर भी कुछ कम नहीं है। ध्यान से देखो, अंकल अभी बॉलर सेंड पे है और ये बॉल बैट्समैन तक पहुंच जाए तब तक अंकल स्क्वायर लेग पोजीशन पे भी आ चुके हैं। एंड देन अगेन इन लेस देन 1 सेकंड ही इज बैक टू बॉलर सेंड। वो सुपरमैन और फ्लैश की रनिंग रेस में इनको भी होना चाहिए था, पर ये मैं जरूर कहूंगा कि इनके डेडिकेशन पर कोई सवाल नहीं कर सकता। ये इतने डेडिकेटेड अंपायर है कि बैट्समैन बोल्ड हो जाने पर भी ही रेजेस हिज फिंगर टू कंफर्म दैट इट इज आउट। यू नो, जस्ट इन केस अगर बैट्समैन भूल गया हो कि बोल्ड हुआ मतलब आउट है, तो जैसे कि मैं कह रहा था, मैच को जबरदस्ती लास्ट ओवर तक खींचने के लिए पंजाब सुपर किंग्स के बैट्समैन पूरी कोशिश करते हैं। सॉरी, आई मीन टीम इंडिया के बैट्समैन। एट वन पॉइंट इंडिया का स्कोर है 134 रन्स इन 48.4 ओवर्स। वरुण है स्कोर 101 रन्स इन 140 बॉल्स। इसका मतलब अदर इंडियन बैट्समैन स्कोर ओनली 33 रन्स इन 152 बॉल्स। दैट्स 33 रन्स इन 25 ओवर्स। दूसरी तरफ है करण, जो काफी अपसेट है क्योंकि मैजिक बैट अब टूट चुकी है। तो इंडिया का 9वां विकेट गिरने पर करण फाइनली बैटिंग करने आ ही जाते हैं। लुक एट दोस अनबिलीवेबल स्टैट्स मैन। काफी अपसेट है और काफी नर्वस भी है। इनफैक्ट करण ऑलमोस्ट रन आउट हो जाते हैं व्हेन ही रिफ्यूजेस टू गो फॉर एन इजी रन। लेकिन पाकिस्तान के विकेट कीपर भी गजब का काम करते हैं। ही कलेक्ट्स द बॉल बट डज नॉट इवन ट्राई टू टेक द बेल्स ऑफ इवन व्हेन करण वॉज क्लियरली स्ट्रगलिंग। आई एम वेरी श्योर दैट कामरान अकमल वुड बी सो प्राउड ऑफ हिम। तो दोनों टीमें मैच को हारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लास्ट ओवर में इंडिया को जीतने के लिए 16 रन की जरूरत है। वरुण प्लेस वन अराउंड द मिड विकेट रीजन, लेकिन हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर कहते हैं इसको फाइन लेग की तरफ खेला है, किसी को पता नहीं चलेगा। लास्ट दो बॉल्स में इंडिया को जीतने के लिए चाहिए 4 रन। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर वसीम एक शॉर्ट पिच बॉल डालते हैं जो करण के लिए बाउंसर बन जाती है, यू नो, बिकॉज ऑफ हिज हाइट। ही गेट्स स्ट्रक ऑन द हेलमेट वेरी हार्ड। लेकिन न जाने क्यों पाकिस्तान कैप्टन इज नॉट हैप्पी विद दिस और वो वसीम को जाके बोलते हैं, हम हारे या जीते वी प्ले फेयर। अरे अंकल, मैं इंडिया का सपोर्टर होके बोल रहा हूँ, दैट वाज नॉट एन अनफेयर डिलीवरी। आई थिंक पाकिस्तान कैप्टन एक्चुअली यहाँ पे ये कहना चाह रहे थे कि हम मैच हारे तो भी चलेगा, लेकिन पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड हमें ही मिलना चाहिए। और ये वसीम को अग्रेशन दिखाना है, आई अंडरस्टैंड, बट यार थोड़ा तो वेरिएशन लाओ। दिस इज हाउ वी लुक्स एट करण ऑन हिज डेब्यू मैच एंड दिस इज हाउ वी लुक्स एट करण इन द लास्ट ओवर ऑफ द ऑनगोइंग मैच। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि सेम फुटेज दो अलग अलग मैच में यूज हुआ है। और दूसरी तरफ करण अपने कैप्टन से कहते हैं, हमसे ना हो पाएगा क्योंकि हमारे पास मैजिक बैट नहीं है। वरुण ये कहता है कि मैजिक बैट में नहीं, करण में है। और फिर वरुण एक स्क्वायर कट मारता है विच गोज टू द बाउंड्री। इंडिया विंस द मैच एंड विंस द सीरीज 3-2। इस मैच के बाद करण ने अपना क्रिकेट करियर कंटिन्यू नहीं किया एंड ही डिसाइडेड टू फोकस ऑन हिज स्टडीज। करण जानता है कि फ्यूचर में चिंटू की डिमांड ज्यादा होने वाली है। इनफैक्ट इंडिया के मेन बॉलर भी इस मैच के बाद रिटायर हो गए एंड ही स्टार्टेड विद हिज बॉक्सिंग करियर। हमारे कोच सर ने मीडिया से ये बात कही थी कि करण की बैटिंग तेंदुलकर, सहवाग और ब्रायन लारा की याद दिलाती है। Was it the magic bat? Was it really the magic in Karan? Or was it something else? ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। Let me know in the comment section. Thanks for watching this video. Like, comment, share, subscribe. And please don't forget to press the bell icon to get notification of my new uploads. You can also follow me on Instagram and Twitter. The link is in the description below.